नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी ने कारगिल दिवस की देशवासियों को सुसंकल्प की कामना के साथ बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनका कहना है कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में देश के सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। कारगिल विजय दिवस पर हम देश के प्रहरियों के योगदान की बहुत बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि देश के सैनिक तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की हिफाजत करते हुए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। कारगिल दिवस भारत देश के शौर्य, पराक्रम, संकल्प, सफलता और विजय का पर्याय है। इसलिए हम सभी को इस अवसर पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में अपने अग्रणी योगदान का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ है। बहुत ही खुशी की बात है। ऐसी चोटियों पर भी तिरंगा फहराया गया जहाँ पे जाना भी नामुमकिन रहता है, लेकिन आज कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौट के घर ना आए। और इस अवसर पर हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे विचारक चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपको। कारगिल विजय दिवस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के सम्मान, सुरक्षा और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कहने को हम संपूर्ण देशवासी एक सनातन संस्कृति का परिवार हैं। बिल्कुल, और बाकी जो कुछ भी उपासना और पूजा पद्धति निकली, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ये सब सनातन संस्कृति के बाद, और सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु भारतवर्ष, और अपने अपने जिसको कहते हैं ना साम्राज्यवादी सोच के कारण या कुछ धार्मिक कट्टरता के कारण जिस प्रकार के आंतरिक विद्रोह की प्रयास करना, आतंकवाद करना और सीमा की सुरक्षा पर भी प्रहार करने का प्रयास करना, यह देश की अखंडता के ऊपर आघात है। बिल्कुल, और उस समय की उन परिस्थितियों में, उस भीषण प्रतिकूलता में, प्राकृतिक प्रतिकूलता में, प्रचंड शीत में, जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने जो जिन आकांक्षाओं का जवाब दिया, बिल्कुल वह काबिले तारीफ है, गर्व का विषय है। इससे देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो कारगिल विजय दिवस हमारा एक प्रकार से देश की प्रतिष्ठा और उल्लास का दिवस है, और उसको स्मरण करते हुए करते रहना और उस पर जो जिन शहीदों की शहादत हुई उनके प्रति चिंता करना केवल सरकार का नहीं, समाज का भी कर्तव्य है। जब हम सैनिकों को का उत्साह बढ़ाएंगे, उनके उसकी चिंता करेंगे, परिवार की भी चिंता करेंगे, तो आज जो सीमा की सुरक्षा में सैनिक है उनको ये लगेगा कि पूरा देश हमारे साथ है, और उनकी भावनाएं और प्रबल होगी और देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। मैं पुनः ये कहता हूं कि कारगिल विजय दिवस को पूरे समाज को उत्साह से मनाना चाहिए, प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। जो भी अपने समीपस्थ सैनिक हों उनके परिवारों को सम्मानित करना चाहिए, जो इसमें काल कौलित हुए, दुर्घटना का शिकार हुए, उनके बलिदान का भी उनके भी बलिदान का स्मरण करते हुए करना, यही इस शहीद दिवस की, विजय दिवस भी है और शहीद दिवस भी है। बिल्कुल, यही इसकी सार्थकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।